9 जनवरी 2016 को श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम असोला फतेहपुर बेरी में आयोजित होने वाले शनि अमावस्या महोत्सव में भाग लेने विमान से दिल्ली आ रहे हैं। वे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से मेट्रो की सुविधा का लाभ उठाएं। मेट्रो ट्रेन से श्रद्धालु कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन अथवा छतरपुर मेट्रो स्टेशन पर उतरकर बस, टैक्सी, ऑटो या किसी अन्य वाहन से श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम असोला फतेहपुर बेरी आए। कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम की दूरी 6.5 किलोमीटर है, जबकि छतरपुर मेट्रो स्टेशन से मात्र 4.5 किलोमीटर है। समस्त शनि भक्तों हेतु छतरपुर मेट्रो स्टेशन से श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम असोला फतेहपुर बेरी तक के लिए 9 जनवरी 2016 को प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क बस सेवा उपलब्ध होगी। 9 जनवरी सन 2016 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के पूजन, दर्शन, तेलाभिषेक, जीवन की संपूर्ण पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी। इस बार 28 वर्षों की तपस्या का जो फल है, जो सिद्धों की दया रही मेरे ऊपर, वो पूर्ण अभिमंत्रित जल और प्रसाद आपको मिलेगा, जिससे आपके जीवन की पीड़ा और कष्ट दूर। नौ जनवरी शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, आपके कष्ट मिटेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ कि छतरपुर मेट्रो स्टेशन से देवाधिदेव शनिदेव के दर्शन करने के लिए, शनिधाम आने के लिए निःशुल्क बस की सुविधा है। आपको दर्शन के लिए लेके भी आएंगे और वापस मेट्रो स्टेशन छोड़ के भी आएंगे। ये शनि भक्तों की सेवा है, इसका आनंद लें और दर्शन करें, आपका कल्याण होगा। यह निःशुल्क बस सेवा समस्त शनि भक्तों हेतु के आर मंगलम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ओर से उपलब्ध करवाई जा रही है। पहरा देती है मुर्शिद की नजर हम पर, मजाल है कि कोई बुरी बला हमें छू जाए। जी हाँ दर्शकों, हमारे सदगुरु परम तपस्वी परम स्नेही परम श्रद्धेय संत शिरोमणि शनि चरणानुरागी श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज का आशीर्वाद हमेशा हमारे आशीष पर बना रहता है। यह आशीर्वाद हमें बुरी नज़र से बचाता है, बुरी बलाओं से बचाता है, बुरी संगति से बचाता है। दाती जी महाराज, आप हमेशा हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, आपकी कृपा हम पर हमेशा यूं ही बरसती रहे। दाती जी महाराज, अब आपसे जानना चाहेंगे कि सिंह राशि वाले जातकों का आने वाला जो साल है, साल 2016 किस प्रकार से बीतेगा, किस प्रकार से रहेगा सिंह राशि वाले जातकों का 2016 वर्ष। गुरु महाराज जी से मेरी हमेशा प्रार्थना रहती थी कि हे दाता, ऐसी कृपा करना कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा कर सकूं। हे प्रभु, मेरे पे दया करना। और उनकी कृपा से देवाधिदेव शनिदेव की शरणागत रहा 28 साल। मेरा विश्वास करिएगा, 28 साल सदगुरु की आज्ञा में रहते हुए उनके सिर चरणों से दूर नहीं रहा। और राष्ट्र को पता है कि 700 बेटियों का पिता हूं मैं, 700 बेटियों का। और मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं मुझे कोई धन चाहिए, मैं आप सभी लोगों का आभारी हूं, आप मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। मैं उन सभी शनि भक्तों का आभारी हूं जो मेरे साथ मेरी सोच के अनुसार राष्ट्र की सेवा में लगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पिछले 18 सालों से मैं इसे लगा हुआ था, 18 सालों से। हजारों गायें हैं, साल में सैकड़ों कन्याओं की शादी का सहयोग श्री शनिधाम करता है। ये सब गुरु महाराज और देवाधिदेव शनिदेव की कृपा है। मैं आप लोगों से ये नहीं कहता कि आप मुझे सहयोग करिए या धन दीजिए, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि राष्ट्रवासियों, राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं होता है, राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। अपने राष्ट्र से प्रेम करो, ओछी मानसिकता से बाहर आओ, अनर्गल बयानबाजी से बचो, भाषावाद, जातिवाद, प्रांतवाद हमें सैकड़ों वर्ष पीछे धकेल देगा।
इन सारे झमेलों से हटकर मात्र राष्ट्रवाद की बात करो। जो मनुष्य अपने राष्ट्र प्रेम नहीं करता है ना, देवता भी ऐसे मनुष्य की पूजा को स्वीकार नहीं करते। 2016 राष्ट्रमय रहे, ये एक फकीर की, आपके मित्र की आपसे प्रार्थना है, क्योंकि राष्ट्र को प्रगतिशील बनाना बहुत जरूरी, और राष्ट्र को प्रगतिशील बनाना है तो नारी का सम्मान करना होगा। न्यूज में भी पढ़ता हूं क्योंकि मुझे हमेशा अपडेट रहना पड़ता है, और आप अच्छी तरह जानते हो कि शनि शत्रु नहीं मित्र है, श्री शनि धाम जो मेरी फेसबुक है, मैं कितना अपडेट रहता हूं, और मैं कोई अपने फोटो नहीं डालता हूं, ये आप अच्छी तरह जानते हो। हर क्षण कोई नई चीज जो राष्ट्र हित में हो मैं उसमें प्रयास करता हूं। करोड़ों लोग मेरे फेसबुक पे है, मैं लोगों से कहता हूं कि थोड़ी सोच बदलो, नारी का सम्मान करो। जिस राष्ट्र में नारी का सम्मान नहीं हुआ वो राष्ट्र गर्त में चला गया। ये मानसिकता कहां की, हमारी मानसिकता ऐसी नहीं है भाई। यत्र नारिस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, हम उस राष्ट्र की रहने वाले हैं जहां नारी का सम्मान होता है। भगवान शिव पार्वती का सम्मान करते, मां पार्वती क्यों अपना आराध्य भी मानते, अर्धनारीश्वर ऐसे ही नहीं कहा जाता, नारी के भीतर पुरुष, पुरुष के भीतर नारी, भगवान शिव 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 स्वीकार करते, और शिव के शब्दों में है कि बिना शक्ति शिव सब समान है। नारी का अपमान मत करो, कन्या भ्रूण हत्या बंद करो, और इन बेटियों को जीने का अवसर दो ना यार। क्या हो गया है तुम्हें, कहां चली गई है तुम्हारी सोच, किस किस गर्त में धस गई है कि 4 साल की बेटी रोड पर चल नहीं सकती, और फिर ये आप चाहते हो कि देवाधिदेव शनिदेव आप पर कृपा करे, आपकी रक्षा करे, आपके घर में धन आए, आपके घर में वैभव आए, ये कैसे संभव हो सकता है। क्या हो गया है, थोड़ी सी विचारधारा को बदलो, थोड़ी सी विचारधारा को बदलो, थोड़ा सा बदलो, नारी का सम्मान करो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस राष्ट्र को स्वच्छ रखो। और इसलिए मैंने इस बार प्रार्थना करी, क्योंकि शनिधाम में शनि अमावस्या के पावन पर्व पर लाखों लोग आते हैं, 25,000 से 30,000 गाड़ियां आ जाती है। मैंने एक प्रार्थना करी है कि इस बार यदि थोड़ा बहुत भी इस फकीर से आपका लगाव है तो मैं आपके स्टेटस के हिसाब से, मैं जानता हूं कि मेरे यहां सारे वो लोग आते हैं और बड़ी शान से आते हैं, उनको पता है कि दाती महाराज क्या ना कोई बिचौलिया है ना कुछ नहीं, और आराम से दर्शन करते हैं। मुझे इस बात का गर्व है कि राष्ट्र के लोग मेरे पर विश्वास करते हैं, इसलिए मैंने आपके स्टेटस के हिसाब से के आर मंगलम से रिक्वेस्ट करी, भाई इन सभी लोगों के लिए सुंदर एसी कोच की व्यवस्था करो कि ये लोग आराम से शनिधाम आए, दर्शन करके अपने घर जाए। आपसे अनुरोध करता हूं इस बार दिल्ली को कम से कम एक दिन के लिए तो मेरा सहयोग करो कि प्रदूषण से मुक्त करे, ट्रैफिक से मुक्त करे। और आप सब देखिए, धर्म हमारा है, हम लोगों को क्यों परेशान करें, धर्म की पूंजी हमारी है, हम धर्म के लिए आ रहे हैं, अपने कल्याण के लिए आ रहे हैं, लेकिन लोगों को कष्ट देके क्यों। इसलिए छतरपुर मेट्रो स्टेशन से मैंने निःशुल्क बस की व्यवस्था आप लोगों के लिए करी है। आखिरकार कन्या राशि वाले जातकों के लिए आने वाला 2016 किस प्रकार का रहेगा, अगर उनके जीवन में कुछ रुकावटें हैं तो उन्हें वो किस प्रकार से दूर करेंगे, क्या कुछ सावधानियां 2016 में कन्या राशि वाले जातक करें। जी महाराज जी, बिटिया मैं तो कन्या पे आया नहीं, अब तो सिंह को भी नहीं छुआ है मैंने, अभी तो सिंह को स्पर्श भी नहीं गया, अभी तो मैं अपनी दिल की बात कह रहा था, जो जख मेरे दिल में है वो राष्ट्र बयां कर रहा था नेहा में कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटिया अभी तो मैं सिंह को भी स्पर्श नहीं किया हूं, कन्या तो बाद में आऊंगा ना, मैं राष्ट्र कह रहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और कोई मैं एनजीओ नहीं बनाया हूं, 18 साल से 700 बेटियों का पिता हूं, और प्रणाम करता हूं उन सभी लोगों को जो मेरी सोच रखते हैं और मेरे साथ खड़े हैं। आपसे मेरा अनुरोध कि कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध मत करिए, इसका कोई पश्चाताप नहीं, इसका कोई क्षमा हो ही नहीं सकता, और बेटियों को जीने का सुअवसर दीजिए। बड़ा बड़ा दुख लगता है भाई जब ये घटनाएं सुनता हूं तो बड़ी पीड़ा पहुंचती है। आप सभी से अनुरोध, ये फकीर आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है कि नारी का सम्मान करो, नारी को अवसर दो,
नारी को मौका दो, आपका कल्याण होगा। अब मैं सिंह राशि पे आना चाहता हूं। सिंह राशि के जातक जातिकाओं को 2016 शुभ और मंगलमय हो, मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। सिंह राशि वालों के लिए वर्ष 2016 बृहस्पति देव और शनि देव चतुर्दश संबंध होने के कारण सफलताओं से भरा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए 2016 शनिदेव वृश्चिक राशि में चतुर्थ भाव से पूरे साल गोचर करेंगे, और मैं सच कह रहा हूं, ये मेरा अनुभव है, मेरा मत है कि 2016 सिंह राशि को देवाधिदेव शनिदेव की ढैया है, और किसी भी रूप से सिंह राशि वालों को डरने की जरूरत नहीं है। शनि विराजमान है चतुर्थ भाव में, और चतुर्थ भाव का शनि सिंह राशि वालों को खुशियों से भर देगा। घर परिवार का सहयोग मिलेगा, सफलतापूर्वक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम रहेंगे। सामाजिक और वैवाहिक और मानवीय रिश्तों की कदर आपने इस वर्ष करी, नैतिकता का दामन पकड़ के रखा, तो पूरा साल आपका सफलता दामन चूमेगी, ध्यान रखना। 11 अगस्त से बृहस्पति देव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और शनिदेव से तिर एकादश संबंध बनाएंगे। संपूर्ण कारोबारी समस्याओं का निवारण, कारोबार में विस्तार का शुभ अवसर, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। और सिंह राशि के जातक जातिकाओं, ये वर्ष शनिदेव की कृपा की बरसात बरसेगी। भयभीत मत होना, चंद लोगों की बातों में मत आना, व्यापारियों की भाषा मत सुनना, कोई ढैया आपको परेशान नहीं करेगा। कहीं परेशान करेगी तो आपके अपने कुकर्म, कुकर्मों से बचना, सुकर्म करना, शुभ कर्म करना, माता पिता की सेवा करना, धर्मान गुरु आचरण करना, राष्ट्र प्रेम करना, और ओम शम शनिश्चरय का जाप करना, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। और ये साल व्यवसाय संबंधी सफलताओं में मन उत्साह से भरा रहेगा। संपूर्ण कारोबारी विघ्न दूर होंगे, व्यवसाय विस्तार का अवसर मिलेगा। वे लोग जो नौकरी में, उन्हें पदोन्नति का अवसर मिलेगा। मनचाही जगह पर स्थानांतरण होगा। कैरियर और नौकरी संबंधी संपूर्ण समस्याओं का निवारण होगा। नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। जिस विभाग में आप काम करते उसमें आपका महत्व और गरिमा बढ़ेगी, धन लाभ के स्रोत बढ़ेंगे, पारिवारिक वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा। बस संतान को लेकर थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से विशेष रूप से अप्रैल और जून का महीना कुछ परेशानी दे सकता है। शिक्षा के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों को इस वर्ष थोड़ी सी कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, परंतु परीक्षा और प्रतियोगिता का किया गया प्रयास मनोअनुकूल रहेंगे और आशा अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। कहीं कोई परेशानी नहीं, तभी कुछ सावधानियां हैं। अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण उतार चढ़ाव का सामना, जीवन की मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करें, समस्या आ सकती है। और दैनिक दिनचर्या के साथ खिलवाड़ नहीं करें। यदि आप सरकारी कर्मचारी है तो सरकार विरोधी कोई कार्य से बचना होगा। व्यर्थ के अनैतिक संबंधों की वजह से कारोबार, कैरियर, शिक्षा, परिवार आदि मामले में आपकी जग हंसाई हो सकती। आपकी यह प्रवृत्ति कि आप अन्याय को सहन नहीं करते, आपकी ये प्रवृत्ति का आप अन्याय को सहन नहीं कर सकते, इस सच्चाई की वजह से थोड़ी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़े। लेकिन आप डरे नहीं, सच्चाई पर अड़ रहे, सफलता आपका दामन चूमेगी। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। 9 जनवरी सन 2016 शनि अमावस्या महोत्सव, शनि धाम, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। हरि शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। छतरपुर मेट्रो स्टेशन से संपूर्ण शनि भक्तों को निशुल्क बस सेवा उपलब्ध है लाने और ले जाने के लिए। इसलिए इस बार ज्यादा से ज्यादा लोग छतरपुर मेट्रो स्टेशन पर उतरे और जो शनिधाम की बस सेवा है उसका प्रयोग करें। नमो नारायण। 9 जनवरी सन 2016 शनि अमावस्या महोत्सव, श्री शनिधाम, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के पूजन, दर्शन, तेलाभिषेक, जीवन की संपूर्ण पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी। 28 वर्षों की तपस्या का जो फल है जिससे आपकी जीवन की पीड़ा और कष्ट दूर। पधारिए श्री शनि धाम, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में, करिए शनि भगवान के दर्शन। मैं दाती महाराज पुनः अपने आराध्य के इस अद्भुत दिन के लिए संपूर्ण राष्ट्र और एनसीआर को सादर आमंत्रित कर रहा हूं। श्री शनि धाम, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर, 9 जनवरी प्रातः 6 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक निशुल्क बस सुविधा होगी शनि भक्तों की ओर। छतरपुर मेट्रो स्टेशन पर आपको संपूर्ण सुविधा श्री शनि धाम, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर में आने के लिए। आप सभी एनसीआर के सभी लोग
छतरपुर मेट्रो स्टेशन से बस पकड़कर शनि धाम आ सकते, दर्शन करके पुनः जा सकते। यह निशुल्क बस सेवा समस्त शनि भक्तों हेतु के आर मंगलम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ओर से उपलब्ध करवाई जा रही है। दर्शकों, आज दाती जी महाराज हम सबके साथ हैं, आपकी सभी समस्याओं के शमन के लिए, आपके हर प्रश्न के उत्तर के लिए। और कुछ ही समय में जिस कार्यक्रम का आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे, दाती गुरु मंत्र एहसास टीवी, आपका अपना पसंदीदा एहसास टीवी दोबारा से इस कार्यक्रम को शुरू कर रहा है, जिसमें दाती जी महाराज हर रोज आपसे मिलेंगे, अपने जीवन के अनुभव आपसे साझा करेंगे। तो दाती गुरु मंत्र एहसास टीवी पर जरूर देखिएगा। अब दाती जी महाराज से जानेंगे कन्या राशि और तुला राशि के जातकों के बारे में कि आखिरकार 2016 कन्या राशि और तुला राशि के जातकों के लिए किस प्रकार का रहेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए 2016 शुभ और मंगलमय हो, मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। कन्या राशि वालों, खूब फलो फूलो, भगवान शनिदेव आपकी रक्षा करें, प्रभु से मेरी प्रार्थना और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। कन्या राशि के जातक जातिकाओं के लिए वर्ष 2016 लाभ और सफलताओं से भरा रहेगा। कारोबार कैरियर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल होगी। परिवार, सगे संबंधी और सहयोगियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। कानूनी मसलों का निवारण होगा। लेकिन ये मैं देख रहा हूं कि वर्ष प्रारंभ में राहुदेव और चंद्रदेव आपकी राशि से लग्न में गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ा निर्णय लेने में तकलीफ आएगी। अपने निर्णय क्षमता को मजबूत करना। मानसिक होगा कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना, लेकिन व्यर्थ का मानसिक तनाव थोड़ा सा रह सकता है, क्योंकि राहु देव ने चंद्रदेव को पीड़ित किया है। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, और यदि आप नौकरी में तो बहुत से बनाकर रखने पड़े, लेकिन ध्यान रखना बृहस्पति देव आपकी राशि से 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं, और ये आपकी संपूर्ण परेशानियों का निवारण करेंगे। मन अनुकूल प्रमोशन, मन अनुकूल पदोन्नति, व्यवसाय विस्तार कम होगा, व्यवसाय में लाभ, आर्थिक लाभ की संभावना में वृद्धि अद्भुत रहेगी। कहीं घबराने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा फिकल माइंड जरूर रहेगा। लेकिन देवाधिदेव शनिदेव तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं, शासन पराक्रम में वृद्धि होगी, मान प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा, आयात और निर्यात के कार्य में विशेष सफलता, देश विदेश में व्यापारी यात्राओं का प्रबल योग और लाभ भी मिलेगा। लेकिन एक बात मैं देख रहा हूं, 9 जनवरी 2016 राहु देव बृहस्पति देव के साथ 12वें भाव से गोचर करेंगे, तो विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति पूरा ध्यान देना होगा, अन्यथा परिणाम प्रतिकूल प्राप्त हो सकते हैं। राहु देव बृहस्पति देव के साथ है, ऐसी अवस्था में यदि मेहनत नहीं करी तो अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं, आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, और परिश्रम आपने किया तो लाभ जरूर मिलेगा। 9 जनवरी 2016 शनि मौसिया महोत्सव, श्री शनि धाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के पूजन, दर्शन, तेलाभिषेक, जीवन की संपूर्ण पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी। 28 वर्षों की तपस्या का जो फल है, जिसे आपकी जीवन की पीड़ा और कष्ट दूर, पधारी श्री शनि धाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में, करिए शनि भगवान के दर्शन। मैं दाती महाराज पुनः अपने आराध्य के इस अद्भुत दिन के लिए संपूर्ण राष्ट्र और एनसीआर को सादर आमंत्रित कर रहा हूं, श्री शनि धाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर, कि 9 जनवरी प्रातः 6 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक निशुल्क बस सुविधा होगी शनि भक्तों की ओर। छतरपुर मेट्रो स्टेशन पर आपको संपूर्ण सुविधा श्री शनि धाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर में ले आने के लिए। आप सभी एनसीआर के सभी लोग छतरपुर मेट्रो स्टेशन से बस पकड़कर शनि धाम आ सकते, दर्शन करके पुनः जा सकते। यह निशुल्क बस सेवा समस्त शनि भक्तों हेतु के आर मंगलम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ओर से उपलब्ध करवाई जा रही है। दर्शकों, 9 जनवरी 2016 शनि अमावस्या का दिन है। इस दिन आप सभी लोग
देवाधिदेव श्री शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। आप सभी लोग अपने परिवार के साथ, अपने सहकर्मियों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम असोला फतेहपुर बेरी जरूर पधारें। जब आप श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम आएंगे, आप स्वयं देखेंगे कि जहां तक आपकी दृष्टि जा रही है, संपूर्ण परिसर में, संपूर्ण पावन धाम में केवल धर्माचार्य, धर्मगुरु, भक्त, संत, महात्मा, ऐसे ही लोग हैं, ऐसे ही श्रद्धालु हैं जिनके मन में ओम शम शनिश्चराय नमः के मंत्रों का लगातार उच्चारण हो रहा है। आप स्वयं देखेंगे कि श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम में कण कण में स्वयं देवाधिदेव श्री शनिदेव बसे हुए हैं। शनि अमावस्या के दिन आपको हर समय, हर वक्त, हर कण में, हर क्षण में देवाधिदेव श्री शनिदेव के दर्शन होंगे। श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम का ये पावन धाम शनि अमावस्या के दिन और पावन हो जाता है और सुंदर हो जाता है। स्वयं देवाधिदेव श्री शनिदेव शिखर प्रतिमा में विराजमान हो जाते हैं और आप सभी को आशीर्वाद भी देते हैं। तो आइए सीधे चलते हैं और दर्शन करते हैं श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम के और अपने जीवन को सफल बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं। और स्वयं दाती जी महाराज इस वक्त हमारे साथ हैं दर्शकों, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे उनसे आपके प्रश्नों के उत्तर, फिर हम आपको श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम भी लेकर जाएंगे ताकि देवाधिदेव श्री शनिदेव का सानिध्य आपको मिले। दाती जी महाराज इस वक्त हमारे साथ बने हैं। दाती जी महाराज आप हमारे साथ बने हैं, आप हमारे हर प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दाती जी महाराज। अपना सानिध्य, अपना प्रेम इसी प्रकार से दाती जी महाराज हम पर बरसाइएगा। और अब तुला राशि के जातक आने वाले वर्ष में 2016 में क्या कुछ करें और किस प्रकार का रहेगा 2016 तुला राशि के जातकों के लिए। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। तो 9 जनवरी को आप पधार रहे हैं सभी लोग। मैं दाती महाराज अपने आराध्य के लिए 9 जनवरी सन 2016 शनि अमावस्या महोत्सव पर आपको सादर आमंत्रित कर रहा हूं श्री शनिधाम शनि तीर्थ चित्र असोला फतेहपुर बेरी में। और आप जरूर आना भाई, क्योंकि 28 वर्षों की तपस्या का पूर्ण आहुति का दिन है। खूब बजाए प्रभु को मैंने, खूब बजाए। वो जल, वो प्रसाद आपकी संपूर्ण रोगों से आपको मुक्ति देगा, संपूर्ण समस्याओं को निवारण कराएगा। अद्भुत है श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र। और सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक छतरपुर मेट्रो स्टेशन से आपको निशुल्क बस सेवा मिलेगी। 2016 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के पूजन, दर्शन, तेलाभिषेक, जीवन की संपूर्ण पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी। इस बार 28 वर्षों की तपस्या का जो फल है, जो सिद्धों की दया रही मेरे ऊपर, वो पूर्ण अभिमंत्रित जल और प्रसाद आपको मिलेगा, जिससे आपके जीवन की पीड़ा और कष्ट दूर। नौ जनवरी 2016 को श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम असोला फतेहपुर बेरी में आयोजित होने वाले शनि अमावस्या महोत्सव में भाग लेने विमान से दिल्ली आ रहे हैं। वे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से मेट्रो की सुविधा का लाभ उठाएं। मेट्रो ट्रेन से श्रद्धालु कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन अथवा छतरपुर मेट्रो स्टेशन पर उतरकर बस, टैक्सी, ऑटो या किसी अन्य वाहन से श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम असोला फतेहपुर बेरी आए। कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम की दूरी 6.5 किलोमीटर है, जबकि छतरपुर मेट्रो स्टेशन से मात्र 4.5 किलोमीटर है। समस्त शनि भक्तों हेतु छतरपुर मेट्रो स्टेशन से श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम असोला फतेहपुर बेरी तक के लिए 9 जनवरी 2016 को प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क बस सेवा उपलब्ध होगी। संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। 9 जनवरी सन 2016 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करी शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। द
दर्शकों, आप सबको 9 जनवरी 2016 को श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम असोला फतेहपुर बेरी जरूर आना है। और अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो आपको निशुल्क बस सेवा प्रातः 6 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक भी उपलब्ध होगी। चलिए अब दाती जी महाराज के पास चलते हैं, उनसे अपना मार्गदर्शक करवाते हैं, क्योंकि दाती जी महाराज हमारे मार्गदर्शक है, हमारे पथ प्रदर्शक है, हमारे सद्गुरु हैं। और हम तो उन्हें अपना पिताजी महाराज भी कहते हैं, क्योंकि दाती जी महाराज हमारे पिताजी भी हैं। हमारी हर गलती पर वो उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाते हैं, उस गलती से आगे बढ़ना सिखाते हैं। दाती जी महाराज, एक बार फिर से आपके चरणों में नमो नारायण, शत शत प्रणाम। दाती जी महाराज, हमें अपना आशीष दीजिए ताकि हम आगे बढ़े आपके साथ साथ, आपके सानिध्य के साथ, आपके प्रेम के साथ, हम हर वक्त आगे बढ़ते जाए। चाहे असफलता हो हमारे जीवन में, चाहे फिर सफलता हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, लेकिन जिस प्रकार से आप हर सुख में आप हर दुख में एक समान रहते हैं, कोई आपकी प्रशंसा करे या फिर ना भी करे तो भी आप एक समान रहते हैं, आपको बड़े से बड़ा सम्मान मिले तो भी आप अपने आप को फकीर ही कहते हैं, आप अपने आराध्य देव को कभी नहीं भूलते, आपके मन में हर वक्त ओम शम शनिश्चराय नमः का मंत्रोच्चारण होता रहता है, आपके मन में आपकी हर भावना में हर वक्त देवाधिदेव श्री शनि देव स्वयं विराजमान रहते हैं। इसी प्रकार का आशीष, इसी प्रकार का आशीर्वाद, इसी प्रकार का स्नेह, इसी प्रकार का सानिध्य दाती जी महाराज हमें भी दीजिए, कि हमारे जीवन में, हमारे कण कण में, हमारे रोम रोम में आप ही आप हो, हमारे पिताजी महाराज हो, हमारे सखा, हमारे मित्र, हर रूप में हम आपको देखें, हम आपको अपना पिता भी माने, अपनी माता भी माने, अपना सखा भी माने, अपना अध्यापक भी माने, अपना गुरु भी माने, अपना सहकर्मी, अपना सहपाठी, हर चीज, हर कण, हर रोम में दाती जी महाराज आप हमारे साथ विराजमान रहिए, ताकि हमें मुसीबतें छू भी ना पाए, हमारे पास किसी भी प्रकार की असफलता आ भी ना पाए, और अगर आए तो स्वयं दाती जी महाराज आगे हाथ देकर खड़े हों कि कोई भी मुसीबत, कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या मेरे बच्चों को छू नहीं सकती, क्योंकि हमारे पिताजी महाराज अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, क्योंकि दाती जी महाराज हमारे साथ साथ 750 बच्चियों के गर्वान्वित पिता है। जी हाँ दर्शकों, दाती जी महाराज 750 बच्चों के गर्वान्वित पिता है, गर्व करते हैं वो अपने आप पर कि वो 750 बच्चियों के पिता है, और इन बच्चियों के लालन पालन पोषण की, शिक्षा की, हर प्रकार की जिम्मेदारी स्वयं दाती जी महाराज ने ली है। दाती जी महाराज आपको जितनी बार प्रणाम करें उतना ही हमारा जीवन सफल होगा, हम पर अपनी कृपा हमेशा बरसाइएगा। चलिए दर्शकों, अभी दाती जी महाराज के चरणों पर चलते हैं, उनसे सवाल लेते हैं ताकि वो आप सभी के जीवन को दर्शन दे सके। जी दाती जी महाराज, की बात कर रहा था, तुला राशि की बात कर रहा था, तुला राशि को मैं समझा रहा था कि 750 से कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चों। लोगों ने आपको बहुत डराया तुला राशि को 750, और लोगों ने इतना भयभीत किया है उनको, खाली तुला राशि से कहना चाहता हूं कि कहीं डरने की जरूरत नहीं है, कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं है। तुला राशि वालों, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, धन कोष में वृद्धि रहेगी, देवाधिदेव शनिदेव और बृहस्पति देव दोनों ही आपको मनो अनुकूल फल प्रदान करेंगे, कैरियर संबंधी संपूर्ण परेशानी का निवारण होगा, और कैरियर की दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके लिए मनो अनुकूल सफलताओं के साधन उपलब्ध करवाएगा। अद्भुत है। तुला राशि वालों, कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं। हाँ, कुछ बातें हैं, चापलूसी आपके प्रगति में बाधक बनेगी, क्योंकि देवाधिदेव शनिदेव वृश्चिक राशि में दूसरे भाव से गोचर कर रहे हैं, और वृश्चिक राशि के शनिदेव धर्म कर्म सत्य सहजता और चरित्र से अधिक प्रभावशाली है। भाई ध्यान रखना, जो लोग इस सूत्र को अपना लेंगे उनके लिए 2016 खुशियों से भरा रहेगा, ना किसी की चापलूसी करे, ना खुद किसी को चापलूसी करने दे। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से तुला राशि वालों के लिए 8 जनवरी से लेकर 9 मई 2016 तक का समय थोड़ा सा उठा पटक का है, लेकिन 13 अगस्त 2016 के बाद पुनः ग्रह नक्षत्र आपको अनुकूल फल प्रदान करेंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अनुकूल रहेगा, पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, राहुदेव की वजह से थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है, और इतना होना भी चाहिए, लेकिन उसका समाधान मिल जाएगा। पुनः एक बार सभी को याद दिलाना चाहता हूं कि 750 के नाम से कहीं डरने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं, भ्रमित होने की जरूरत नहीं, कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो, माता पिता की सेवा करो, धर्मानुकूल आचरण करो, और तुला राशि वालों, ओम शम शनिश्चराय नमो ईश्वर मंत्र का जाप करो, आपका कल्याण होगा। क्या सावधानी है, अकारण आवेदन